चलते चलते आपको हम एक खबर दिखाना चाहते हैं, आप देखिए ये खबर और सोचिए। यूपी के मुरादाबाद और बिजनौर में लोग एक आदमखोर बाघिन से परेशान हैं। 10 लोगों को मार चुकी इस बाघिन को मारने बीएसपी के एक विधायक मोहम्मद गाजी खुद घोड़े पर बैठकर अपने समर्थकों के साथ जंगल में उतर गए हैं। वन विभाग उनकी इस हरकत को गैरकानूनी बता रहा है। उसका कहना है बिना परमिट विधायक साहब मारने निकले हैं बाघिन को। क्या है ये खबर, आप देखिए और सोचिए। विधायक जी खुद घोड़े पर सवार हुए, साथ ली हथियारबंद पैदल सेना और जंगल में घुस गए आदमखोर बाघिन को गोली मारने। इस तरह घोड़े पे बैठ पैदल लोगों के साथ पहली बार कोई शेर मारने निकला है। विधायक जी कहते हैं कि चाहे जान चली जाए लेकिन बाघिन को मार डालूंगा। 2 महीने से लगातार आप देख रहे हैं क्या हालात हैं। अकेले 10 लोगों में 6 लोग मेरे क्षेत्र के मारे जा चुके हैं। अब ये सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। मेरी मजबूरी है, अगर मैं बाघ को नहीं मारूंगा तो वो 11 शिकार करेंगे। जिम कॉर्बेट रिजर्व पार्क से भटक के आई आदमखोर बाघिन पिछले 1.5 महीने से यहीं भटक रही है। इस बीच वो 10 लोगों को खा चुकी है। उसे आदमखोर घोषित कर देखते ही गोली मारने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन उसे वही मार सकेगा जिसे जंगल महकमे से परमिट मिलेगा। विभाग के लोग वहां लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल शिकारी भी लगाए गए हैं। उसे पकड़ने को जंगल में पिंजड़ा भी रखा गया है, लेकिन विभाग MLA की इस हरकत को गैर कानूनी बताता है। घोड़े से तो संभव है ही नहीं, जब भी टाइगर के सामने हाथी आता तो वो भी सहम जाता है और ये घोड़ा तो बिल्कुल भाग जाएगा और वो गिर सकते हैं और वो बाघ की चपेट में आ सकते हैं। इनको वार्न कर दिया है कि इस तरीके की कार्रवाई उनकी गैरकानूनी होगी और उसमें उनको जो है नुकसान पहुंच सकता है, उनको पूरी हिदायत दे दी गई, उनको वार्न किया जा सका है। लेकिन MLA का कहना है कि जनता की जान बचाना उनकी जिम्मेदारी है, इसके लिए उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बाघिन को मारे बिना वो अब दम नहीं लेंगे। 2-2 शेरों की खाले पकड़ी जाती हैं, उसको मारने के लिए किसने परमिशन दी थी? मोहम्मद गाजी से परमिशन की बात करते हैं। मोहम्मद गाजी कोई आतंकवादी है जो उसके पीछे उसको सर्च किया जाएगा? ढूंढ निकालेंगे, पकड़ लेंगे, रोक देंगे, रोक के दिखाएं जिसमें हिम्मत है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं शेर मारने उतरा हूँ और इंशाल्लाह मारूंगा। आपने देखा कि वोट के लिए लोग क्या क्या करते हैं। जनता को ये जताना कि MLA साहब उसके हितैषी हैं ये तो ठीक है, लेकिन उसके लिए इस तरह के जंगलों में हथियार लेके घोड़े पे घूमना और पब्लिक को पैदल टहलाना खतरनाक तो है ही, गैरकानूनी भी है। बिजनौर में जुबेर और कैमरामैन RC जोशी के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।